हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न टू टेक में। दोस्तों, आपको कई बार ये दिमाग में आता होगा कि अगर किसी का हम आधार कार्ड चेक करें कि वो ओरिजिनल है या फिर नकली है या फिर डुप्लीकेट है, उसने कुछ अपडेट कर रखा है अपनी साइड से, क्योंकि आपको पता है काफ़ी सारे एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से हम मात्र कुछ ही मिनट में अपने आधार कार्ड को एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आप अपने काम पर किसी को रख रहे हो तो उनके आधार कार्ड को आपको वेरीफाई करना होता है। तो वेरीफाई करने के लिए कैसे करें, क्या चीज़, क्या एप्लीकेशन होना चाहिए, किस तरीके से हम ये देख सकते हैं, जान सकते हैं कि कोई हमारे साथ धोखाधड़ी तो नहीं कर रहा है, उसका आधार कार्ड जेन्युइन है, वो बंदा जेन्युइन है या नहीं है। तो उसके लिए दोस्तों, आधार कार्ड ने अपनी एक खुद की क्यूआर कोड एप्लीकेशन लॉन्च कर दी है, जिसके माध्यम से आप जान सकते हैं कि जो सामने वाला बंदा है, उसने जो आपको आधार कार्ड दिया है, वो एक्चुअल में उसका है या नहीं है, या फिर उसने उसके ऊपर जो नाम लिखा हुआ है, एज लिखा हुआ है, फोटो लगाया हुआ है, वो एक एडिटिंग के माध्यम से किया हुआ है या फिर ओरिजिनल उनके पोर्टल पर वो सारी चीज़ आपको देखने को मिल रही है। तो उसको जानने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर पर ओपन कर लेना है। इसमें आपको सर्च करना है आधार क्यूआर कोड स्कैनर। तो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन काफ़ी सारे देखने को मिल जाती है। सभी एप्लीकेशन पर आपको क्लिक नहीं करना है, क्योंकि काफ़ी सारे एप्लीकेशन ऐसे होती हैं जो हमारा डाटा रख लेती हैं, बाकी उनका काम नहीं होता है, बिना मतलब के ही वो उनको दिया हुआ है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, या तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप डायरेक्ट क्लिक करके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, या आप सर्च करने के बाद आप ये वाला आइकन देख सकते हैं जो तीसरे नंबर पर आपको एप्लीकेशन देखने को मिल जाती है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जैसे हम इसको क्लिक करते हैं, इसको आपको यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। इसके बाद इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली इस तरीके से कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर कोई ऐसा कुछ ऐड वगैरह कुछ नहीं आपको देखने को मिलेगा। सिंपल आपको करना क्या है, आपके आधार कार्ड होता है जो, उसमें पीछे की साइड एक QR कोड दिया हुआ होता है, तो आपको स्कैन करना है इसी एप्लीकेशन के माध्यम से। जैसे मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ, मैं स्कैन पर क्लिक करूँगा। स्कैन पर क्लिक करने के बाद आपको अपने आधार कार्ड को इसके सामने लाना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं स्कैन इसने कुछ ही सेकंड में कर लिया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने ऊपर फोटो भी दिखा दिया है, अपने आधार कार्ड का नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ सारा कुछ इन्होंने यहाँ पर दिखाया है, एड्रेस भी दिखाया हुआ है। उसके बाद आप यहाँ पर जैसे सामने वाले का अगर आप चेक कर रहे हैं, तो उनका मोबाइल नंबर इसी आधार कार्ड से लिंक है या नहीं है, उनसे आप यहाँ पर वो नंबर भी वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो नंबर डालना है जो वो बता रहा है कि हमारा आधार कार्ड में ये मोबाइल नंबर लिंक है, इसको सबमिट पे क्लिक करना है, तो OTP आएगा उनके मोबाइल पर, तो ये यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। इधर से ही आप अपनी मेल आई डी भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों, आप फर्जीवाड़े से बच सकते हैं। अपने आधार कार्ड के नाम पर आपको पता है काफ़ी सारे फ्रॉड हो रहे हैं, तो उससे बचने के लिए आधार कार्ड ने ये एप्लीकेशन लॉन्च किया है। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।